मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। तो बस अभी हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट खा के आ रही हूँ, ओट उपमा। हमारे घर पे वो सभी को ही पसंद है। और नवरात्रि का आज फिफ्थ डे है, तो दुर्गा सप्तशती पड़ी है, तो वो सब पूजा वगैरह ख़त्म करके ना अभी सोचा कि अपना जो व्लॉग है ना वो शुरू करती हूँ, क्योंकि सुबह को ना इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी में सब हो जाता है ना काम, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी मतलब करना शुरू कर देते हैं। और फिर भी ये देखो टाइम हो गया है, मैं दिखाती हूँ आपको। मेरी ना जो वॉच है ना उसको ऑटो वाला ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। देखो ऑलमोस्ट 10:45 हो गए हैं, तो बस मैंने सोचा कि अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। और ये देखिए मैंने ना ये वाली चेन पहनी है, मैंने आपको अपने हॉल में दिखाई थी ना, और ये काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो कुछ लोगों ने इसके लिंक भी मांगे थे। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हैं जो जहाँ पे मैंने पोस्ट किया है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगी है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पहन लेती हूँ, क्योंकि कहीं जाना वाना तो नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अपने मन को खुश करने के लिए यही करना पड़ेगा। पुणे में लॉकडाउन है ना, आपको पता ही होगा कि पूना पूरा मतलब जो एसेंशियल सर्विसेज है ना वही सब शुरू हैं, तो जो पुराने वाला टाइम है ना लास्ट ईयर वाला वो बेसिकली आ गया है। एक्चुअली लास्ट ईयर और अभी में जो फ़र्क है ना वो ये है कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था तब सब लोग मतलब ऐसे प्रिपेयर नहीं थे, और सब लोगों ने शुरू में तो बहुत इन्जॉय किया, ऑफिस जाने वाले लोगों ने और सब लोगों ने, कि लॉकडाउन हुआ है तो सबकी पार्टीज़ हुई। लेकिन लास्ट ईयर का जो डिप्रेसिंग जो पीरियड था ना वो सब लोगों ने बिताने के बाद इस बार का जो लॉकडाउन है ना वो मतलब सब लोगों के लिए अनप्रिपेयर्ड है एक तरीके से, क्योंकि सब लोगों ने वो वाली लाइफ जी ली है घर में बैठने वाली, और सब लोग बोर हो गए हैं और डिप्रेसिंग सा मतलब माहौल रहता है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये मतलब मेरा मानना है कि इस बार वाला जो लॉकडाउन है ना वो मतलब उतना मतलब अच्छा नहीं है जितना पहले वाला था, लास्ट रामायण महाभारत ये सब लोगों ने खूब इंजॉय किया, लेकिन कर क्या सकते हैं, केसेस तो परवान चढ़ रहे हैं, अब कर भी कुछ नहीं सकते, लोगों को घर में ही बैठना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे सोसाइटी में भी काफ़ी केसेस हैं, और सबसे बुरी बात आपको बताऊं, मेरी जो सिस्टर हैं और उनकी जो पूरी फैमिली है वो लोग भी पॉजिटिव हो गए मेरे तुरंत बाद ही। जीजी बोले कि तुम्हारे से बहुत ज़्यादा प्यार है ना तुम्हारी बहन को, इसलिए हो गया। और सेम वही दीदी के सिम्टम्स थे, और एक एक करके ना उनके भी पूरी फैमिली को आया है, वो लोग भी क्वारंटीन पीरियड में है, तो आप लोग उनके लिए भी बहुत बहुत प्रेयर करिएगा। और जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स या फिर जो लोग मतलब फील कर रहे हैं कि उनको मतलब ऐसे सिम्टम्स हैं, तो माता रानी की मैं जब भी दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ, जब भी पूजा करती हूँ, तो उनके लिए मैं मतलब प्रेयर करते ही करते हूँ। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी ऐसे मतलब अकेला मत समझिएगा, क्योंकि मेरी जो प्रेयर हैं वो मतलब आप लोगों के साथ रहेंगी ही रहेंगी। अभी इधर सौरभ ले रहे थे स्टीम, एक्चुअली दूध वगैरह लेके आते हैं ना तो स्टीम ले लेते हैं, और बहुत अच्छी बात है, मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को भी। मतलब जिन लोगों को कोरोना हुआ है वो तो है ही है, लेकिन जिन लोगों को नहीं भी है ना वो स्टीम जरूर लें, क्योंकि स्टीम और गार्गल्स ना कोरोना के बहुत बड़े तोड़ हैं। तो एनीवेज मैंने कुछ ना शॉपिंग की थी अमेजोन से, और नॉन स्पॉन्सर्ड है ये वीडियो, ऐसा नहीं है कि ये स्पॉन्सर्ड थिंग्स हैं, एक्चुअली कुछ चीज़ों का ज़रूरत था, और अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें तो मतलब अभी डिलीवर नहीं होगी क्योंकि उन्होंने डिस्पैच नहीं की ड्यू टू ये लॉकडाउन ना, तो लेकिन जो भागते भागते डिलीवर हो गई वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या आई है। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ, किचन की ना कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी, और तो मैंने सोचा कि ऑर्डर करती हूँ, तो उसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें मेरी अटक गई हैं, डिस्पैच नहीं हुई हैं, तो चलिए मैं ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। क्वारंटीन वगैरह सब कुछ हो गया है इनका, क्योंकि काफ़ी दिन पहले आ गए थे। ये देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये स्प्राउट मेकर, आपको पता ही है कि मैं मतलब हम लोगों के यहाँ पे जो स्प्राउट्स हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली बनते ही हैं, और मैं स्प्राउट्स मेकर ना लेना चाह रही थी, और ये वाला जो स्प्राउट मेकर है ना मैंने बहुत सारे रिव्यू के बाद लिया है, और यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी कि फ्रूटफुल है कि नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको ले लेती हूँ। और
इसमें ना बॉक्स भी 1, 2, 3 बॉक्स है, यूजुअली 2 बॉक्स वाला आता है। तो मैंने कहा कि क्या होता है ना, जब मैं स्प्राउट्स बनाती हूँ तो मैं हमेशा मूंग वाला स्प्राउट बनाती हूँ, क्योंकि एक बारी में एक बनता है, लेकिन इसमें क्या है ना 2-3 टाइप के स्प्राउट्स बना सकते हैं। तो बाकी तो ये है कि रिव्यू अच्छे थे, यूट्यूब पे जो डेमो थे ना वो भी अच्छे थे, लेकिन इसको यूज करने के बाद ना मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि ये मतलब कैसा है, और मतलब अगर अच्छा हुआ ना तो आप लोग भी जरूर लीजिएगा, क्योंकि स्प्राउट्स ना बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। तो एक मैंने ये लिया है, और एक मेरा जो मैंने आपको बताया था ना मेरा चॉपर खराब हो गया है, तो मैंने एक नया चॉपर ऑर्डर किया, उसके साथ ये नाइफ ना फ्री मिला है। और इस बार ना मैंने मतलब थोड़ा बड़ा साइज का लिया है, जो पुराने वाला था ना मेरा पिजन वाला, वो मतलब मेरा थोड़ा छोटा साइज था, लेकिन ये वाला काफी बड़ा है, और मुझे लगा कि बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें ना एक मतलब 2 छोटी छोटी प्याज होती थी, और अगर प्याज वगैरह ज्यादा करना हो ना तो मतलब ये अच्छा है, और ये मेड इन इंडिया है। तो ये देखिए, तो ये मैंने लिया है, और ये ब्रांड है जोई करके है उनका है, तो यूज करके बताऊँ कैसा है, और वैसे तो उसके ब्लेड्स वगैरह काफी शार्प लग रहे हैं। तो ये मैंने लिया है क्योंकि इन चीजों का ना मुझे बहुत ज्यादा जरूरत लग रहा था, और अभी जो ऑर्डर कर रखी है ना वो जब आएंगे ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और एक मैंने ऑर्डर की है ये बेकिंग ट्रे, तो जैसे लॉकडाउन का सुन रहे थे ना तो मुझे लगा कि बेकिंग ट्रे वगैरह ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि अभी सौरभ का बर्थडे भी आने वाला है 22 अप्रैल को, तो केक वगैरह अगेन मतलब बेक करना पड़ेगा, और पिछली बार भी बेचारे का जो बर्थडे है वो लॉकडाउन में निकल गया, और इस बार भी उनका जो बर्थडे है वो भी वापस लॉकडाउन में, तो बड़ा बुरा लग रहा है यार। तो ये देखिए, मैंने ये हार्ट वाला केक 3 ऑर्डर किया था, और इधर अनमित आ गया, इसको कुर्ता पहनना था, तो ये देखिए आजकल अपने नए नए कुर्ते पहन रहा है। हाँ, इंटरनेट गया ना, नए नए आजकल अपने कुर्ते पहनना, इसको ऊपर ऊपर का कुर्ता पहना देते हैं, पजामा नहीं पहना देते, पजामे के नाम पे इसको शॉर्ट्स पहना देते हैं। तो ये मैंने एक हार्ट शेप का लिया था, क्योंकि जब से मैंने बेकिंग का कोर्स किया ना तो मुझे बेकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और मेरी जो बेकिंग है ना वो बहुत अच्छी हुई भी है, केक बहुत टेस्टी बनते हैं, शक्ल भले ही अच्छी ना हो उनकी इतनी ज़्यादा, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छे होते हैं। एक मैंने ली है ये रोटेशनल टेबल बोलूंगी मैं इसको, केक टेबल, क्योंकि डेकोरेशन के लिए लगती है ना, जब भी मैं क्रीम वगैरह लगाती थी, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब मैंने केक बनाया था कि मेरे पास केक टेबल नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मैं केक टेबल ले लेती हूँ, क्योंकि मैं अब क्रीम केक ही बनाती हूँ ना और अच्छा लगता है। तो इसके साथ ना मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ ये, और केक टेबल पे ना केक रखे हुए भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए, इसके साथ मुझे ये 4 स्पैचुलाज मिले हैं, ऐसे स्क्रेपर मिले हैं, स्पैचुला नहीं बोलूँगी इसको, स्क्रेपर बोलूँगी, स्क्रेपर मिले हैं, और ऐसे ही रोटेशनल ये मिली है मुझे ट्रे। तो मैंने ये ऑर्डर किया है, और आपको दिखाती हूँ एक क्या लेके आए हो, लिम्सी विटामिन सी, अभी भी हम लोगों के विटामिन चल रहे हैं, और लेकिन थक गई हूँ मैं लेते लेते, टॉफी मुझे टेस्ट खराब लगता है। ये लिया है मैंने, और मैंने अपने लिए एक नाइटी ली है, क्योंकि वैसे तो मुझे पेंटालून से लेनी थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो पेंटालून और ब्रांड फैक्ट्री से ली थी ना बहुत अच्छी रही, और मैं वैसे भी ना 3/4 पहनती हूँ, और समर्स में ना मतलब मुझे वो पता नहीं टी शर्ट पजामा पहनते हुए ना बहुत ज़्यादा उलझन होती है, शॉर्ट्स वगैरह मतलब मैं यहाँ पर पहनती नहीं हूँ, और इसलिए तो मैंने सोचा कि अमेजोन पर मुझे दिखाई दी तो मैंने ऑर्डर की है। और मुझे ये नहीं पता कि कैसी होगी इसकी क्वालिटी, वो तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, तो अभी तक मैंने ट्राई वगैरह कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है, और मटेरियल भी मतलब ठीक लग रहा है। तो ये मतलब मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है 3/4, अगर ये मुझे अच्छी रही ना क्वालिटी वाइज, तो इसका दूसरा कलर एक और है पिंक कलर, वो भी मैं ऑर्डर करूँगी, और काफ़ी अच्छी लगी मुझे वाली जो नाइटी है ना, मतलब अब हाथ में लेके पता चल रहा है कपड़ा भी इसका अच्छा है, अच्छा मटेरियल है, ठीक ऐसे कोई चीप मटेरियल नहीं है, क्योंकि जो चीप मटेरियल होते हैं ना वो साफ पता चलते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग में ना मैं जो कपड़े वगैरह ना वो बहुत सोच समझ के ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं कुछ भी ले लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन के जो कपड़े हैं ना वो बहुत बार बहुत चीप लगते हैं, तो अगर कोई कपड़ा पसंद नहीं आता मैं उसको तुरंत रिटर्न कर देती हूँ। वैसे मेरी कुछ पैट वेबसाइट्स हैं जो मैं कपड़े की शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कहीं से भी कपड़े शॉपिंग नहीं करती हूँ ऑनलाइन में ना, मिनी हॉल, और बाकी मैंने कुछ चीज़ें अनवित के लिए ऑर्डर की हैं एक्चुअली,
क्या है ना वो मैं आपको चलो बताऊंगी बाद में, और वो मैं शाम को ओपन करूंगी, तो मैं आज की वीडियो में ही ना आपको शाम को दिखाऊंगी, क्योंकि वाला जो व्लॉग है ना मैं शाम तक लेके चलने वाली हूँ। तो सोचा कि आज पूरे दिन आप लोगों के साथ मैं रहती हूँ और आप लोगों से बातें करते हैं, आप लोगों को अपना जो मिनी शॉपिंग हॉल है ना जो मैंने भागते भागते शॉपिंग की है वो आपको दिखाती हूँ और सभी चीज़ें। मशीन लगा के आई हूँ और ये मेरे कपड़े कल वॉश हुए थे, इनको उतार के लेके आई हूँ, तो नेक्स्ट लोड लगा दूंगी क्योंकि अभी ना मशीन जो है बहुत फ्रिक्वेंटली लग रही है, बहुत जल्दी जल्दी कपड़े वॉश करने पड़ता है, तो सोचा कि इनको निकाल लेती हूँ। कल मैंने अपने धुले थे, अभी सौरभ की लगाई है, फिर अनवित की लगेगी परसों, तो ऐसे फिर एक दिन पापा मम्मी की लगती है, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली लगती है, फिर इस साइकिल में फिर मेरा नंबर आ जाता है। कपड़ों पे आयन किया और एक्चुअली क्या ना मैंने आपको बताया था ना हमारी जो आयन है वो ख़राब हो गई है और अभी डिलीवरी किसी भी चीज़ की नहीं है, तो डिलीवरी तो फिर बाद में ही होंगी, तो इसीलिए अभी जितने भी कपड़े होते हैं ना वो मैं थोड़े थोड़े करके कर लेती हूँ, क्योंकि वाली जो आयन है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है, हाथ दर्द करने लगता है, इसीलिए थोड़े से कपड़े थे तो फिर मैंने वो कर दिए, क्योंकि फिर आगे चल के ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अनवित की ना अभी पीटीएम भी थी क्योंकि सेशन का लास्ट हो गया है, अभी जो न्यू सेशन है वो जून में शुरू होगा, तो वो पीटीएम अटेंड करके आई हूँ और ना थोड़ी सी जो अपनी वार्डरोब है ना वो ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बहुत समय से की नहीं है तो थोड़ा सा मैस हो गई थी और चीज़ें ना फिर इधर उधर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ये कर लेती हूँ। और इधर अनवित और सौरभ अपना मतलब टाइम पास कर रहे हैं, अनवित कर रहा है राइटिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या राइटिंग कर रहा है अनवित? टैक्सी। टैक्सी बना रहा है, अच्छा। चीकू कट किया है, बहुत ही जबरदस्त चीकू है, इतना मीठा कि ये स्वीट डिश का काम करे, इतना मीठा है ये वाला चीकू, लेकिन मुझे बहुत पसंद है चीकू मीठे वाला। मजा आ गया नहीं? मजा आ गया नहीं आया? बहुत मजा आया। और ये है आज का लंच, गर्मा गर्म कढ़ी। अभी हो गई है शाम और मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए, और एक्चुअली लंच थोड़ा लेट हुआ और सोई नहीं क्योंकि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, और उसका फ़ोन आया था मुझसे कंफर्म करने के लिए, एक्चुअली उसके मतलब एक फ्रॉड था, क्या हुआ कि मेरे नेम से किसी ने आईडी बनाई फेसबुक पे और मतलब न्यू अकाउंट बनाया और उससे चैट किया कि मैं मतलब नेहा बोल रही हूँ, मतलब चैट में मैं नेहा हूँ, तो उसके दो तीन फ्रेंड्स और भी होंगे, तो उसने पूछा कि कौन से वाली नेहा, उसने पिक्चर भेज दिया और बहुत फॉर्मल बात कर रही थी, तो कह रही कि पहले तो मैं वैसे ही समझ गई, मतलब जो फॉर्मल बात करी थी, फिर उसके हस्बैंड के साथ भी ना फ्रॉड वाला कुछ हुआ, तो उन्होंने बोला कि इससे आगे बात करने से पहले ना तुम नेहा से ही बात करो डायरेक्टली कि उसने ऐसे तुम्हें कोई पिंग किया है क्या, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं ना, अगर ज़्यादा बात आगे बढ़ती है तो हमारे यहाँ पे एक पहले भी केस हो चुका है, एक सेकंड में तू डाल देती हूँ, एक पहले भी केस हो चुका है यहाँ पे, मतलब मम्मी ने ही बताया था, हमारे रिलेटिव हैं उनके नेम से किसी ने अकाउंट बनाया और उनके फ्रेंड्स लोगों को मैसेज डाले कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे मुझे पैसे की ज़रूरत है और अर्जेंट पेज से मुझे पैसे दे दो, तो ऐसे उसके हस्बैंड के साथ भी हुआ कि किसी उनके फ्रेंड ने भी शायद उनको मैसेज किया कि मैं ये बोल रहा हूँ और मुझे पैसे चाहिए, तो इसीलिए उसके हस्बैंड ने बोला कि तुम पहले नेहा से कन्फर्म करो, मैंने कहा कि भाई मैंने तो कुछ ऐसा मैसेज नहीं किया, और तो फिर इसीलिए उसका आया था, मैंने कहा उसको ना डांटना मेरी तरफ से पकड़ के, तो वो बोल रही थी कि अभी देखना और लोगों के मैसेज भी आएंगे क्योंकि ये लोग ना रैंडमली ऐसे उठाते हैं, तो आप लोग भी ना बी अवेयर रहें, और जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे फॉलो
करते हैं, तो आप लोग प्लीज अवेयर रहें कि मैंने कोई ऐसी आईडी क्रिएट नहीं की, और जब भी मुझे कुछ भी हेल्प की जरूरत होगी या फिर कुछ भी जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को पर्सनल कॉन्टेक्ट करूंगी, मैं कोई मैसेज वैसेज नहीं करूंगी। तो इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि, और ये हम सब लोगों के लिए ही सीख है ये सब करने का। बेसन मैंने ऐड किया था, पता नहीं कैसे हट गया, 87 रुपीस का एक किलो है। एक्चुअली यहाँ पे ना डिलीवरी स्लॉट्स ना अवेलेबल नहीं है और टोकन लेना पड़ रहा है, तो बिग बास्केट में ना अभी अचानक से एक स्लॉट अवेलेबल हुआ, तो सौरभ भाई बोल रहे थे कि मैंने बिग बास्केट में ना बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई थी कि आएगा, अभी तो जो सुबह बता रहा था ना कि 26 तारीख को तो हमें ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन वो बोल रहा है कि कल मतलब वो थोड़ा कुछ सामान आ जाएगा, तो वही जितना है तो वो ऑर्डर डाल रही हूँ। और कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी कि लेट होगा, तो ये टमाटर और प्याज वगैरह, लेकिन अभी तो ऐड कर देती हूँ क्योंकि हटा रही हूँ कुछ चीज़ें ना ऐसे। ये देखो ये बात चेक कर लो और ये फिर डाल दो, ये है